हाय फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट में आपका स्वागत है। दिवाली के त्यौहार के दौरान बहुत ज़्यादा मीठा खाने के बाद हम अक्सर कुछ तीखा खाना पसंद करते हैं, जो चटपटा भी हो, स्पाइसी भी हो, टैंगी भी हो, सारे फ्लेवर्स उसमें हो। और इसमें चकली लोगों को काफ़ी पसंद आता है। बहुत सारे लोग चकली घर पर बनाते हैं, तो आज जो मैं चकली बनाने जा रही हूँ ये दाल से और चावल से बनती है। महाराष्ट्र में इसे भाजणी से चकली कहकर लोग बुलाते हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस चकली को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने करीब आधा किलो चावल लिया हुआ है, आधा बोल साबूदाना, 2 से 3 बड़े चम्मच उड़द दाल, आधा बोल मूंग दाल और 1 बाउल यहाँ पर बेसन है। इसकी जगह आप आधा बोल चना दाल भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चावल, साबूदाना, उड़द दाल और मूंग को धोकर अच्छी तरह सुखा कर इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख दूंगी, ताकि ये अच्छी तरह सूख जाए। अगर आप चना दाल यूज़ कर रहे हैं, तो चना दाल भी इसके साथ वॉश करके आप सूखने के लिए रख दें। और फिर इनको भून कर मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चावल, साबूदाना, मूंग दाल और उड़द दाल चारों चीज़ों को मैंने धो लिया है अच्छे से। और इसे बीच में इस तरह से चलाते हुए जो गुठलियाँ पड़ी हैं उसे तोड़ते हुए सुखाना है, ताकि अच्छी तरह सूख जाए। मसाले में मैंने यहाँ पर 2 से 3 इलायची ली हुई है, 10 से 12 काले मिर्च, 5 से 6 लौंग और 1 बड़ा चम्मच धनिया लेकर इनको भून कर चावल और दाल के साथ पीस लूँगी। और इसके साथ करीब 1 बड़ा चम्मच जीरा है, इसे भी भून कर सारी चीज़ों के साथ पीस लूँगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया है एक साथ। तो चलिए इसका आटा बनाना शुरू करते हैं। आटा बनाने के लिए मैंने एक पैन में पानी लिया हुआ है, ये आटे के बराबर का पानी है। तो इसे खौलने के लिए रख दूंगी, और जब ये खौलने लगेगा तो इसमें 1 बड़ा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, फिर आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल डाल दिया है, और 1 छोटा चम्मच अजवाइन और नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके इसमें मैंने करीब 2 से 3 बड़े चम्मच तेल भी डाल दिया है। और अब इस पानी के मिश्रण को आटे में डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब आटा ठंडा होने के बाद इन्हें अच्छी तरह गूंथ लूँगी। आटा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटा तैयार है। आटे में से थोड़ा सा डो बॉल निकाल कर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चकली बनाने का सांचा लिया है, इसे भी मैंने तेल से अंदर से काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। और सांचे की सहायता से इस तरह से चकली बना लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाकर इस तरह से हल्के हाथों से गोल घुमाते हुए चकली बनाएं, ताकि इसका शेप खराब ना हो। और एकदम मीडियम साइज रखते हुए, यानी 5 से 6 राउंड घुमाने के बाद इसे काट कर दूसरा चकली बनाएं। तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है कढ़ाई में, और तेल गरम होने के बाद चकली को एकदम धीमी आंच पर कुरकुरा होने तक तलना है। अगर आप तेज़ आंच पर चकली तलेंगे तो चकली अंदर से कच्ची रह जाएगी, ठीक से पकेगी नहीं, तो इसीलिए इसे धीमी आंच पर ही तलना होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब करिए इस तरह की और भी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। बेल बटन दबाना ना भूलें, इससे आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा।